हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, 8th क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कंट्रोल मे बी अडॉप्टेड रेजिंग अ डिस्कशन इन द हाउस ऑन मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। देखो, बी एंड सी दोनों मिलते जुलते हैं। सेंसर मोशन क्या होता है? सेंसर का मतलब निंदा होता है, निंदा, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, ये भी एक लेजिस्लेचर का टूल है कंट्रोल करने के लिए एग्जेक्टिव पे। ठीक है, जब कोई मंत्री कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ सेंसर मोशन लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है कि जिस दिन पार्लियामेंट का कोई काम चल रहा है, एजेंडा चल रहा है, उसको बंद करके कोई सामने उनके कोई कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का विषय लाया जाता है। जैसे सपोज अब कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो मान लो किसी ऑक्सीजन की कमी सब देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैटर पार्लियामेंट में डिस्कस करना है। ठीक है, और एग्जेक्टिव से पूछना है, मंत्रियों से पूछना है कि आप क्या कर रहे हो इसलिए। तो एडजर्नमेंट मोशन लाया जाएगा और जो पहले पार्लियामेंट का काम चल रहा है उसको बंद करके और इस सब्जेक्ट पे चर्चा की जा सकती है। तो इसे कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। कॉलिंग अटेंशन और एडजर्नमेंट मोशन में डिफरेंस क्या है? कॉलिंग में मंत्री का
ध्यान आकर्षित किया जाता है किसी समस्या को लेकर। एडजर्नमेंट में भी वही होता है, लेकिन वो पहले वाला काम काज बंद करके फिर उस पर डिस्कशन होती है। तो ये फर्क है कॉलिंग अटेंशन और एडजर्नमेंट मोशन में। हाँ जी, क्लियर है सबको? हाँ जी बोलो, ये समझ आया कि नहीं आया? बी और सी में फर्क क्या है? हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, कट मोशन क्या होते हैं? कट मोशन ये भी एक लेजिस्लेचर द्वारा एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल है। जब बजट पेश और पेश किया जाता है तो उसमें मंत्री जो पैसा मांगते हैं, ठीक है, तो वो पैसा कम किया जा सके, जैसे शिवम जी लिख रहे हैं एक्सपेंडिचर कॉस्ट है उनको रिड्यूस करने के लिए। बिल्कुल सही है, जब मंत्री पैसा ज़्यादा मांगते हैं तो उनको पैसा कम देना होता है कट लगाकर। तो ये कट 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से कट हैं? इकोनॉमी कट, कौन कौन से कट हैं? टोकन कट, और तीसरा कट कौन सा है? पॉलिसी कट, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन कोई भी कट मोशन पास हो जाए तो गवर्नमेंट खतरे में हो जाती है, उनको मेजोरिटी पेश करनी होती है, तो ये बहुत ही डेंजरस है कट मोशन, ठीक है। हाँ जी, 9th का आंसर क्या है? इलेक्शन ऑफ द स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज प्राइम मिनिस्टर मे फिक्स। ये गलत है, पहले यहां से तक की स्टेटमेंट गलत है। तो स्पीकर का इलेक्शन कौन फिक्स करता है? स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, कौन फिक्स करता है? ये प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शिवम, जुबनप्रीत, बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और लड्डू मिलते हैं मेरी तरफ से। और यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया है कि प्रो टर्म स्पीकर क्या होता है जी। प्रो टर्म स्पीकर, टर्म मतलब टेम्परेरी, क्या होता है प्रो टर्म स्पीकर? टेम्परेरी स्पीकर राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जो एमपी होता है उनको टेम्परेरी स्पीकर बनाया जाता है। किस काम के लिए बनाया जाता है टेम्परेरी स्पीकर? हाँ जी, किस काम के लिए बनाया जाता है टेम्परेरी स्पीकर? तो बिल्कुल सही आंसर है कोमल का ओथ, ये ग्रेट सिक्सर बाय कोमल, आज का सबसे लंबा सिक्सर। और कोमल आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको ओथ के लिए, ठीक है। तो आपने ये बताया कि इस टाइम जो 2019 का इलेक्शन हुआ तो ये प्रो टर्म स्पीकर कौन बने, जब ये मोदी जी की दूसरी पारी स्टार्ट हुई है तो प्रो टर्म स्पीकर कौन बने? प्रो टर्म स्पीकर इन 17th लोकसभा। और प्रो टर्म स्पीकर कसम दिला देता है, कसम दिलाने के बाद वो अपना स्पीकर चुनते हैं सारे एमपी, उससे पहले प्रो टर्म स्पीकर काम करता है कसम दिलाने के लिए, ठीक है। तो इस बार प्रो टर्म स्पीकर कौन बने? 2014 में, 2014 में जब मोदी जी की पहली पारी थी तो तब बने थे कमलनाथ, ठीक है, ये कांग्रेस के एमपी थे। वरिंदरा कुमार, जोबन ने बिल्कुल सही आंसर बताया। और जोबन जी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। ये भी आज का सबसे लंबा
सिक्सर माना जाएगा वीरेंद्र कुमार, ठीक है, तो ये बने प्रोटम स्पीकर। ठीक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि प्रोटम स्पीकर क्यों लगाया जाता है, मतलब क्या कारण है प्रोटम स्पीकर का? वैसे तो आंसर आपके पास आ ही चुका है कि मेरा एक क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन बताओ कि जो एमपी जाते हैं चुन के, ठीक है, लोग उन्हें भेजते हैं चुन के, वो अपना स्पीकर क्यों नहीं चुन लेते? वो अपना डायरेक्ट वोट डालकर स्पीकर क्यों नहीं चुन लेते? इसका एग्जैक्ट आंसर जानना चाहता हूं मैं। हाँ जी, अपना स्पीकर क्यों नहीं चुन लेते, क्या रीजन है उसका? ये प्रोटम स्पीकर की क्यों जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट अपना स्पीकर क्यों नहीं चुन लेते वो? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, अभी तक एक ही आंसर आया है। हाँ जी, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। हाँ जी, कोई और? हाँ जी, और किसी का आंसर क्यों नहीं आ रहा? हाँ जी, बताओ। चलो मैं ही बताता हूँ आपको, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब भी कोई एमपी जीत के जाता है, वो पार्लियामेंट के अंदर बिना कसम खाए, ठीक है, बिना कसम खाए बैठ नहीं सकता। जब वो बैठता है तो उसे 500 रुपये एक दिन का फाइन हो जाता है, ठीक है। जब तक वो कसम नहीं खाता, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती वोट की, ना ही पार्लियामेंट में बैठने की, दोनों चीजों का बैन होता है उस पे, ठीक है। तो इसलिए पहले टेम्परेरी स्पीकर लगाया जाता है, जब वो कसम खा लेते हैं फिर वो पार्लियामेंट में उनको राइट मिल जाता है, प्रिविलेज मिल जाता है बैठने का, वोट डालने का, ठीक है, तो फिर वो अपना स्पीकर वोट डालकर चुनते हैं, ये रीजन है। हाँ जी बोलो, सभी को समझ आया जानी है? हाँ जी, से यस इफ यू गेट इट। दूसरा क्या, इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर मे फिक्स एंड सेक्रेटरी जनरल शेल सेंड टू द एवरी मेंबर नोट्स ऑफ दिस डेट। तो जो डिप्टी स्पीकर है, इसका इलेक्शन स्पीकर फिक्स करता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो बी आंसर आ गया इसका, ओनली टू। ठीक है, डिप्टी स्पीकर कौन है एट प्रेजेंट? हु इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा? बिल्कुल सही है, वेकेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वेकेंट है। और ये पाउल, जोबन, पूजा, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और लड्डू मिलते हैं मेरी तरफ से। सेक्रेटरी जनरल कौन है लोकसभा का?
एक आईएएस ऑफिसर होता है सेक्रेटरी जनरल, कौन है एट प्रेजेंट, कौन है सेक्रेटरी जनरल लोकसभा का? सारे कामकाज यही देखता है लोकसभा के, इसके पास एम्प्लाईज होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1000, सारे कामकाज यही देखते हैं। उत्पल सिंह, बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम जी आप, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। ये एट प्रेजेंट पावल प्रीत का भी ये बिल्कुल सही आंसर है, इनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। उत्पल सिंह ये आईएएस होते हैं, ठीक है। तो आप भी, बस ये थोड़े समय की बात है कि आपको भी पूरा चांस मिलेगा ये लोकसभा में जाने का, ठीक है। आप भी सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं, ये आप भी ऐसी कृपा होगी, ठीक है। जो आपने पॉलिटी पढ़ी है, ठीक है, लगता है आप अपनी आंखों से देखेंगे, ठीक है, कैसे लोकसभा का शासन देखेंगे, आप राज्यसभा का शासन देखेंगे, कैसे लॉ बनता है ये देखेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट के जब साइन करवाएंगे वो भी आप ही करवाएंगे लॉ, जब कोई बिल पे प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो आप पॉलिटी की प्रैक्टिकल रिवीजन होगी आपकी सारी। हाँ जी, 10th का आंसर देखो क्या आएगा, 10th का आंसर। हाँ जी, ए कहते हैं अप्रोप्रिएशन एक्ट इज नॉट असेंशियल फॉर पासिंग ए ग्रांट अंडर अ वोट ऑफ क्रेडिट। अ वोट ऑफ क्रेडिट का क्या मीनिंग है, क्या होता है वोट ऑफ क्रेडिट? वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? वोट ऑफ क्रेडिट, आपने क्रेडिट तो सुना ही होगा, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार, ठीक है। आप शॉप में कोई खरीदना चाहते हैं तो वहां पे लिखा होता है शर्मिंदा मत करो, नो क्रेडिट, ठीक है। तो जब भी आप शॉप में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलता है, किन किन लोगों ने देखा है बोलो, नो क्रेडिट प्लीज। शॉप में बड़ा सारा प्रिंट एक निकाल के लगाया होता है, किस किसने देखा है? बोलो किस किसने शॉप में देखा है? किसी ने नहीं देखा, ठीक है। हाँ जी, किसी ने नहीं देखा। उधार बंद है पंजाबी में लिखा देखा होगा किसी दुकान में, नहीं देखा, ठीक है। बहुत एक ही व्यक्ति का आंसर आया शिवम का, बाकी ठीक है, बाकी शॉप में ये चीज कौन देखता है, ठीक है, कोई नहीं देखता, ठीक है। बहने जाती है वो तो जो सामान पड़ा होता है उस पे नजर होती है, भाई जाते हैं उनकी नजर भी वही होती है, ठीक है। तो सारी चीजें देखने चाहिए भाई। हाँ जी, वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो ये बिल्कुल सही आंसर है शिवम का, शिवम को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। एडवांस पेमेंट होती है, ठीक है। एडवांस पेमेंट क्या होती है? जब मंत्री, बजट क्या होता है कि मंत्री पैसा मांगते हैं अपने महकमे को चलाने के लिए, अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, ठीक है। तो बजट, बजट के टाइम समय लगता है, 2 मंथ 3 मंथ लग जाते हैं बजट पास होने तक,
ठीक है, तो तब क्या होता है कि गवर्नमेंट एक बिल लेके आती है जिसे कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन एक्ट कह लो, बिल कह लो, उससे वो एडवांस पेमेंट ले लेते हैं काम को चलाने के लिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके अंदर कितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं पूरे देश के। ठीक है, उनको पैसा देना होता है काम चलाने के लिए, सैलरी देनी होती है। ठीक है, तो वो अप्रोप्रिएशन बिल से एडवांस पेमेंट ले लेता है काम चलाने के लिए, उसे कहते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है, वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन बिल बाय लॉ पास होता है, सारे वोट डालते हैं एमपी, वोट डाल के उसे पास करते हैं, उसे कहते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। तो इन्होंने ए ऑप्शन में लिखा है कि नॉट असेंशियल, ये जरूरी नहीं है। अरे भाई, एडवांस पेमेंट लेनी है तो इस एक्ट के तहत ही आप निकाल सकते हैं, तो पहली ऑप्शन क्या है, गलत है, यही आंसर है। बी क्या है, री अप्रोप्रिएशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो कहते हैं री अप्रोप्रिएशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सही है, री अप्रोप्रिएशन में कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं होता। राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये भी बिल्कुल सही है, राज्यसभा के पास पैसे को लेकर कोई शक्ति नहीं है। नो अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड इन द अप्रोप्रिएशन बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहला गलत, उन्होंने गलती पूछा था, बाकी सब सही है। हाँ जी, 11th का आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूशन लोकसभा मस्ट मीट एट लीस्ट। ट्वाइस ईच ईयर, थ्राइस ईच ईयर विद नो मोर देन 2 मंथ बिटवीन सेशंस, ट्वाइस ईच ईयर विद नो मोर देन 3 मंथ। ठीक है, ट्वाइस ईच ईयर विद नो मोर देन 4 मंथ बिटवीन द सेशन, ट्वाइस ईच ईयर विद नो मोर देन 6 मंथ बिटवीन द सेशन। तो डी आंसर है इसका। देखो, दो सेशन है, उनके बीच में अंतर कितने का होना चाहिए, सिक्स मंथ का। यहां से क्वेश्चन तो ठीक होता है, कितने सेशन होते हैं साल में, तीन। तो 11th का आंसर डी। हाँ जी, तो इसका आंसर डी आएगा।
हाँ जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है एक कि शासन की बात किस आर्टिकल में दी गई है? हाँ जी, रीअप्रोप्रिएशन का मीनिंग यही होता है। एक सौ आठ नहीं, 108 में नहीं, 108 में तो जॉइंट सिटिंग है। एक सौ आठ गलत है। हाँ जी, बताओ किस आर्टिकल में ये सेशन की बात कही गई है? ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका ही है, ठीक है, 2019 में ये। चलो, आर्टिकल 85 है ये, आर्टिकल 85, आप 85 देख लेना। हाँ जी, एक सेकंड होल्ड कर।
हाँ जी सॉरी, एक फोन आ गया बहुत अर्जेंट सी का। हाँ जी, ता आर्टिकल 85 समझा है? हाँ जी, आर्टिकल 85 समझ आया या नहीं है? आज भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्या बात है? ये क्वेश्चन यूपीएससी चाह चुके, अगर तुम पेपर लास्ट चेक के देखो। आर्टिकल 85 दे विच प्रेसिडेंट क्या गया, अभी शासन हो दसेगा, प्लेस दसेगा, जगह दसेगा, किस कितने किमें होना गा, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन है कि जोड़ा वह गैप है वह 6 मंथ तो ज़्यादा नहीं होएगा, ये आर्टिकल 85 कहता गा, ठीक है। हाँ जी, अज सारे ओए होए क्यों नहीं कर रहे, क्या सॉन्ग नहीं वधिया? लगता अज सॉन्ग सैड सॉन्ग है, ठीक है, पॉप सॉन्ग नहीं है, ठीक है। चलो मैं प्रैक्टिस करांगा पॉप सॉन्ग दी। हाँ जी, 12th आंसर की है। कहते कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ नेचर ऑफ ए बिल, इट इज सर्टिफाइड बाय स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एज मनी बिल, इज नॉट ओपन टू क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो मनी बिल कौन डिसाइड करता है? स्पीकर करता है कि वेदर इट इज मनी बिल और नॉट, ठीक है। तो इसको किसी भी क्वेश्चन नहीं है इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट दे विच मैटर नहीं जा सकता कि एक मनी बिल है या नहीं है। उसते स्पीकर मनी बिल का टैग लगाता है कि मनी बिल है, ठीक है। बिल्कुल सही है जी स्टेटमेंट है, बहुत बार एग्जाम दे विच क्वेश्चन आ चुका है कि मनी बिल कौन डिसाइड करता है, तो स्पीकर डिसाइड करता है मनी बिल, ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो फाइनेंशियल मैटर है कई तरह के होंगे ने, जिवें कोई टैक्स, नया टैक्स लगाना, कोई नया टैक्स लगाना, कोई पैसा निकालना, ठीक है। तो ये फिर स्पीकर डिसाइड करता है कि ये किस टाइप का बिल है। फाइनेंशियल बिल, एक्चुअली फाइनेंशियल बिल कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, और सेकेंड ऑप्शन, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू क्वेश्चन द नेचर ऑफ द बिल टू टेकन एज ए मनी बिल, इवन इवन इफ इट इज सर्टिफाइड टू बी सो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू क्वेश्चन द नेचर ऑफ द बिल टू बी टेकन एज मनी बिल, इवन इफ इट इज सर्टिफाइड टू बी द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पीकर के पास पावर नहीं है कि वो डिसाइड कर सके बिल का नेचर, ये कौन सा बिल है, तो ये स्पीकर ही करता है। तो राष्ट्रपति के पास क्यों नहीं पावर, ये मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, तो प्लीज आंसर इट। तो कोमल का आंसर है, बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन हिज रिकमेंडेशन बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट। बिल्कुल सही आंसर है, आप दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग,
और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं, ए ग्रेट सिक्सर बाय कोमल एंड शिवम। बिल्कुल सही है, तो प्रायोर रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट की। ये भी एक आंसर है, लेकिन एक आंसर इसका और है, वो आपने बताया नहीं है। मेन आंसर इसका एक और है, ठीक है, जो आपने बताया ये चीज़ सही है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो क्या चीज़ है? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट सही है, आप सही कह रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो क्या है, वो सोचो। हाँ जी बोलो, क्या आंसर है? किधर गए बल्लेबाज अपने? अरे भाई, अभी तक तो कोई बल्लेबाज आउट ही नहीं हुआ। ये भी सही है शिवम, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मनी बेल है वो लोगों की रिकमेंडेशन जरूरी है, प्रेसिडेंट उस पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रेगुलेशन टैक्सेस रिलेटेड टू द पब्लिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक रीजन और है इसका। आप सही कह रहे हैं, आप जितनी बातें आपने कही बिल्कुल सही है, मैं आपसे एग्री हूँ, ठीक है। आपको पता है मनी बेल की पावर सारी लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास कुछ नहीं है, लेकिन एक कारण और है, जो मेन कारण है वो नहीं बता रहे आप, वो क्या कारण है? चलो सुनो, मेरे से आंसर सुनो। आपने कहावत सुनी है, जिसी का काम उसी को साजे, नहीं तो डंका बाजे। जिसी का काम उसी को साजे, सुना आपने? जब बेल इंट्रोड्यूस होता है तो वो थ्री स्टेज पार करता है, थ्री स्टेज पार करता है। पहले बेल की इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है, फिर वो थ्री स्टेज से गुजरता है। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे लॉ बनता है, मैंने पार्लियामेंट चैप्टर में ये चीज़ कराई है, थ्री स्टेज से गुजरता है, ठीक है। तो बेल कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका रूप कैसा है, ठीक है, तो ये डिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है, ये स्पीकर की फंक्शन है, ये स्पीकर की कंस्टिट्यूशन लाइबिलिटी है, ये स्पीकर की, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट इस पे इंटरफियर क्यों नहीं कर सकता, ये चीज मैं पूछना चाहता था। क्यों नहीं, प्रेसिडेंट क्यों नहीं इंटरफियर करता इस काम में? जब बिल को कोई लोकसभा पास करता है या राज्यसभा पास करता है, राष्ट्रपति महोदय क्यों नहीं इंटरफियर करता इस काम में? ये मेरा क्वेश्चन है, यही आपसे मैं जानना चाहता था, क्यों नहीं इंटरफियर करता? क्या कह रहे हो आप?
लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है वो, पार्ट है लेजिस्लेचर का, क्यों नहीं है अंकित जी? लेजिस्लेचर का पार्ट है वो, पार्लियामेंट का पार्ट है वो, आर्टिकल 79। लगता है यहां तो मैच टाई होगा। बोलो बहनों भाइयों, मैं बता दूं तो मजा नहीं आएगा, सोचो। चलो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक पहले और क्वेश्चन दो। कोई बिल के रिगार्डिंग राष्ट्रपति मैसेज कर सकता है पार्लियामेंट को? हाँ कोई मान लो बिल पेश हो रहा है, उसके रिगार्डिंग मैसेज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ज्योतिका जोबनप्रीत सही कह रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन वो इंटरफियर नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता इंटरफियर? ये मनी बिल है या नहीं है, क्यों नहीं कर सकता? अरे भाई सीधी सी बात है, वो नॉमिनल हेड है। ही इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। वो मैसेज तो ले सकता है, कोई जानकारी तो ले सकता है, लेकिन उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। तो ये मनी बिल है या नहीं है, ये स्पीकर की शक्ति है, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है ये। हाँ जी बताओ, ये चीज समझ आई या नहीं आई? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, फिर शायद आपको समझ आ जाएगा। मैं एग्जांपल भी पॉलिटिक्स की देता हूँ। मान लो किसी को इनसेन डिक्लेयर करना है, ठीक है, ये डिसक्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन भी है कि जो भी व्यक्ति किसी सत्ता में आना चाहता है तो वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया क्या होता है? बैंकों का पैसा नहीं देना चाहिए, कर्जई हो वो पागल नहीं हो। पागल कौन डिक्लेयर करता है, इनसेन कौन डिक्लेयर करता है? हाँ जी इनसेन कौन डिक्लेयर करता है, पागल कौन डिक्लेयर करता है? आप पॉलिटी में पढ़ेंगे वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए। कौन डिक्लेयर करता है पागल? डॉक्टर। चलो डॉक्टर चेक करता है कि ये पागल है या नहीं है, लेकिन जो पागल का सर्टिफिकेट है वो कौन देता है? कोर्ट देती है। लेकिन चेक करना किसका काम है? डॉक्टर का। जो जज है वो डॉक्टर नहीं है कि वो किसी को चेक कर सके कि ये पागल है या नहीं है। अदालत में तो सजा के लिए, बचने के लिए हर एक पागल बन सकता है। हमने लॉ में पढ़ा है कि पागल व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर दे तो वो मर्डर अमाउंट ही नहीं होता, ठीक है, ये एक्सेप्शंस है, ठीक है, कुछ आईपीसी में, ठीक है, तो वहां पे कई लोग पागल भी बन जाते हैं नोइंगली, ठीक है। इस पे एक जोक भी है, कहते कोर्ट में एडवोकेट किसी को अपने क्लाइंट को सिखा देता है कि जब भी आपको जज कोई सवाल पूछे आपने कहना हुर्रा हुर्रा, मतलब पागलों की तरह बिहेव करना है, ठीक है। जज कहते उसे बरी कर देता है, बाहर आके जब एडवोकेट कहता है कि ले आओ मेरी फीस, वो जैसा अदालत में सिखाया गया था वैसा ही कर लग जाता है, हुर्रा हुर्रा ऐसे कह के भाग जाता है, ठीक है। जो बिल का नेचर है, जो बिल का नेचर है वो कौन डिसाइड करता है बोलो?
जो बिल का नेचर है वो कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। ठीक है, लेकिन कंस्टिट्यूशन में ये लिखा है, जो मैं अभी मेन क्वेश्चन पे आना चाहता हूं, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कंस्टिट्यूशन में मनी बिल को लेकर राष्ट्रपति को बाउंड किया है कि आपने उसको वापस भी नहीं भेजना। मनी बिल को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता, पता है आपको? आपने प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ा है या नहीं पढ़ा? ठीक है, तो मनी बिल के रिगार्डिंग राष्ट्रपति उसे वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। रिकंसिडरेशन उसकी नहीं हो सकती, उस पर किंतु परंतु नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन बिल का जो नेचर है, जैसे पागल का नेचर कौन डिफाइन करता है? डॉक्टर। ऐसे ही बिल का नेचर कौन बताता है? बोलो, स्पीकर। तो ये चीज सबको क्लियर है? हाँ जी बोलो, ये चीज सबको क्लियर है? लगता है बाकी को डाउट है ये की कह रहा है। थर्टीन का आंसर बताओ क्या है? कहते एस्टिमेट दैट रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया शेल नॉट बी सबमिटेड टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट। कहते जो भी एस्टिमेट है वो, ठीक है, कंसोलिडेट फंड पे जो चार्ज होते हैं उनको वोट के लिए नहीं लिया जाता। बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू डिस्कस एक्सपेंडिचर अपॉन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। डिस्कस तो कर सकती है भाई, ठीक है, ये आप कितने दिनों से आप ये कह रहे हैं। ठीक है, तो सी इज करेक्ट आंसर। पहला सही है और दूसरा गलत है। 14th का आंसर क्या है? कहते रूल ऑफ लैप्स क्या होता है? इसका आंसर क्या है? 14 का बी। ऑल अप्रोप्रिएशन वोटेड बाय पार्लियामेंट एक्सपायर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, ये रूल ऑफ लैप्स है। ऑल अप्रोप्रिएशन वोटेड बाय पार्लियामेंट एक्सपायर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पहले तो आपको अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में पता होना चाहिए, ये आज डिस्कस हो चुका है। एडवांस पेमेंट दी जाती है मंत्रियों को, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये खत्म हो जाता है। मतलब ऑल अप्रोप्रिएशन वोटेड बाय पार्लियामेंट एक्सपायर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये रूल ऑफ लैप्स है। हाँ जी, जो एडवांस पेमेंट की जाती है, ठीक है, जो एडवांस पेमेंट की जाती है उसके बिल, ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में खत्म हो जाते हैं। वैसे तो जो पूरा बजट है, चलो ये तो एडवांस पेमेंट है, ठीक है, जो पूरा बजट है, ठीक है, ये आप यूज कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो पैसा अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिकली जब जॉब में आएंगे तो आपको पता चलेगा। हेड होता है, हेड क्या होता है?
कोई भी मिनिस्ट्री में एक हेड होता है कि इतना पैसा सैलरी लिया, इतना पैसा इस काम लिया, इतना पैसा इस काम लिया, उनको हेड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वो यूज किया जाता है तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में सब खत्म हो जाता है। उसे यूज कर लो तब भी ठीक है, ना यूज किया तो वो पैसा वापस चला जाता है। ठीक है, और ना यूज किया जाए तो ऑफिसर की खिंचाई भी होती है कि आपने यूज क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। फिर लास्ट पे जब ऑडिट होता है, ठीक है, तो वो ऑफिसर की खिंचाई करते हैं पूरी कि आपने पैसा क्यों नहीं यूज किया। मतलब आप इस पैसे को यूज कर अच्छी सर्विस ला सकते थे, लोगों की वेलफेयर कर सकते थे, आपने क्यों नहीं यूज किया। ठीक है, तो ये रूल ऑफ लैप्स है। हाँ जी बोलो, रूल ऑफ लैप्स इज क्लियर। हाँ जी, रूल ऑफ लैप्स समझ आ गया आपको। रूल ऑफ लैप्स के सिंपली है कि जो एडवांस पेमेंट दी जाती है, मतलब पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है, एडवांस पेमेंट जो दी जाती है मतलब वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में खत्म हो जाती है। मतलब आप उसे, जो आपको एडवांस पेमेंट दी गई है, आपने वो यूज करनी है, बस इतना ही है। ठीक है, हाँ जी, 15 का आंसर क्या है? कहते हैं चार एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है। पेंशन जो जजेस को दी जाती है, हाई कोर्ट के जजेस को, डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी कोई कर्जे वाला पैसा, डेट क्या होता है, कर्जा, कर्जे वाला पैसा, सैलरी अलाउंस एंड पेंशन पेबल टू द कैग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है? ठीक है, तो इसमें तीनों आते हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। ठीक है, 16 का क्या आंसर है? हाँ जी, डेट, डेट जो कर्जा लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हाँ जी, ऑब्जेक्ट क्या है एडजर्नमेंट मोशन का? ये मैं पहले ही करा चुका हूँ, आपको क्रिटिसाइज करना है किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को। ठीक है, सेवनटीन का आंसर क्या है? सेवनटीन का आंसर क्या है? सेवनटीन का आंसर क्या है? सी। डिवीजन, मूड ऑफ अराइविंग एट ए डिसीजन। कहते किसी डिसीजन लेना, किसी मूड ऑफ अराइविंग आ डिसीजन। ए का पांच, ग्लुंटाइन क्या होता है? कंक्लूड डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। गुलेंटाइन, गुलेंटाइन वैसे एक वो फांसी देने का तख्ता होता है जो फ्रांस में, ठीक है, यूज किया जाता था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट में क्या है कि मंत्रियों को जल्दी से जल्दी पैसा दे देना बिना डिस्कशन किए, उसे गुलेंटाइन कहते हैं। ठीक है, मोशन क्या होते हैं? प्रपोजल होते हैं मेड बाय मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द कंस्टिट्यूशन। ये रूल्स और प्रोसीजर्स, कंस्टिट्यूशन क्या है उसके रिलेटेड होता है ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाँ जी, 18 का आंसर क्या है?
बी बजट कैसे पास होता है, पहले जनरल डिस्कशन होती है, ठीक है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर कंसिडरिंग एंड पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल, ये इसकी तीन स्टेज होती है, पहले बजट डिस्कशन, फिर अप्रोप्रिएशन बिल, फिर फाइनेंशियल बिल। बिल्कुल सही है। 19 का आंसर क्या है? करेक्टली कौन सा मैच नहीं हुआ? हाँ जी, महाराष्ट्र में कितनी सीट्स हैं? नाइनटीन। ये बिहार वाला गलत है, बाकी कहते सब ठीक है। ठीक है, थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी रिकंस्ट्रक्टिंग हो रही है, क्योंकि कुछ स्टेट नए बन चुके हैं, कोई कुछ स्टेट को यूटी बना दिया गया। ट्वेंटी का आंसर क्या है? कहते किसमें सरकार को खतरा नहीं होता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट कंसिडर्ड एन इंडिकेशन लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कहते किससे ये समझा जाएगा कि जो लोकसभा है उसमें सरकार का लोअर हाउस में कॉन्फिडेंस खो गया है, मतलब सरकार को हटना पड़ेगा, सरकार को रिमूव करना पड़ेगा। हम लास्ट से देखते हैं, सेंसर मोशन पास हो जाए तो फिर भी सरकार को मेजोरिटी पेश करनी होती है, सरकार पे खतरे के बादल छा जाते हैं। ठीक है, कट, मैंने आपको पहले ही कहा था, कट कट मोशन पास हो जाए फिर भी सरकार खतरे में हो जाती है। वोट ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट के एड्रेस, ठीक है, कहते वोट ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस इज नॉट कैरिड। ठीक है, कहते वोट ऑफ थैंक्स पास ना होए फिर भी खतरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अडजर्न मोशन से सरकार को कोई खतरा नहीं होता। बाकी जो तीन है, बी सी एंड डी, इनमें सरकार को मेजोरिटी पेश करनी होती है, ये पास हो जाए तीनों। ठीक है, पहले को छोड़कर। 21 का क्या आंसर है? हाँ जी, 21 का आंसर क्या है? डी। हाउ मच इज क्वोरम ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? 1/10। बिल्कुल सही है जी, 1/10 चाहिए। लोकसभा में क्वोरम कितना बनता है, कितने एमपी का बनता है बोलो? अभी कैलकुलेशन करो, सी सेट चेक करते हैं आपका। लोकसभा में कितने मेंबर होने चाहिए मीटिंग को चलाने के लिए? अरे भाई, सी सेट भी इतना वीक है आपका? हाँ जी, चलो मैं देखता हूँ। एट प्रेजेंट 543 है, ठीक है, तो इसका 1/10, 10 से डिवाइड करना है आपने, 54.3 MP। अरे भाई, पॉइंट में एमपी होता है? नहीं होता। तो कितना चाहिए? 54। 54 करेक्ट आंसर है। ठीक है, पॉइंट में एमपी नहीं होता, ठीक है, ना पॉइंट में बच्चा होता है, ना पॉइंट में एमपी होता है। ठीक है, चलो, ये कोरम क्या होता है? काम को चलाने के लिए कम से कम लोगों की अटेंडेंस जरूरी होती है,
कितने बच्चे अपनी क्लास में, हाँ जी कितने बच्चे अपनी क्लास में। सही है, क्यों पीरम, तो क्योरम हो जाता है। हाँ जी, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, हम भी 1/10 ही रखेंगे क्योंकि पॉलिटी वाले टीचर हैं तो सारे रूल पॉलिटी वाले लागू होंगे। कितने बच्चे हैं टोटल अपनी क्लास में, पहले 150 थे अब 30-35 रह गए, ये क्या हुआ अभी। बाकी किधर चले गए, ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं है, ठीक है 150 को 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है 1 0 से 1 0 कट गई, और 15 15 बच्चे आएंगे तो मैं क्लास लगाऊंगा, नहीं नहीं लगाऊंगा, ये होता है क्योरम। 22 का आंसर देखें, आफ्टर मनी बिल इज पास्ड बाय लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा, रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा विद इन अ 14 डेज फ्रॉम द रिसेप्ट ऑफ द रिकमेंडेशन एंड देन टू द इनकॉर्पोरेशन इन द बिल। हाँ जी, ये गलत है, बिल्कुल सही है जी। राज्यसभा की रिकमेंडेशन कोई को मानना कोई जरूरी नहीं है, 14 डेज, ये पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी, मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ये सही है, पहले वाला गलत है और दूसरे वाला सही है। हाँ जी, तो मैंने कितने क्वेश्चन भेजे थे आपको ग्रुप में, हाँ जी कितने क्वेश्चन भेजे थे मैंने आपको ग्रुप में। 19 का आंसर सी आएगा, 22। चलो बाकी फिर कल करेंगे। हाँ जी, कोई पॉलिटी की न्यूज़, आज का जो काम कराया सबको समझाया। चलो आज मैं जोक नहीं सुनाऊंगा, आप जोक सुनाओ, कोई आप सुनाओ जोक। हाँ जी सुनाओ कोई जोक। चलो आप मेरे से जोक सुनो, कौन कौन सुनना चाहता है। ये ब्रेकिंग न्यूज सच है, मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया। नाइस जोक, ओके गुड।
चलो आप बुक सुनो, लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो नॉमिनेशन कैसे भर गए, नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, प्रेजेंट एड्रेस, नेम ऑफ द जेल और सेल नंबर और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। कहते ओनली लास्ट फाइव पार्टीज इन क्रोनिकल ऑर्डर, ओनली लास्ट फाइव मतलब पार्टी बहुत चेंज करते हैं, ठीक है। और जिसने भी इलेक्शन लड़ना होता है वो कौन लड़ता है, जो जेल में होता है, ठीक है। तो रीजन फॉर लीविंग लास्ट पार्टी, लास्ट पार्टी क्यों छोड़ी, उसके रीजन, इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं, ठीक है, मेक मनी, एस्केप कोर्ट ट्रायल, कोर्ट ट्रायल से भी बच जाता है क्योंकि एमपी को एग्जेप्शन है कोर्ट में, और मिस यूज ऑफ पावर्स, ठीक है, सर्व द पब्लिक, ठीक है। तो हाँ जी, कैसा लगा जोक? हाँ चलो, बहुत है आज का काम इतना।